Hey Abdul Basit, how was your day? It was good, thanks. I had a meeting with a recruiter today about a new job opportunity. Oh, really? That's great. What's the job? It's a software engineer position at a startup company. The pay is good, and the benefits are great. That sounds amazing. So, are you going to take it? Now, please let's go to kitchen, I will tell you more detail there. I'm not sure yet. I need to think about it and talk to you about it. Okay, no problem. But just so you know, I think you should take it. It sounds like a great opportunity. I know, it does. But I'm also worried about leaving my current job. I've been there for a long time, and I have a lot of friends and colleagues there. I understand. But you've been unhappy at your current job for a while now. This is a chance for you to do something new and exciting. You're right. I'll think about it some more. Okay, but don't wait too long. This opportunity might not be there forever. I won't. Thanks for your input. No problem. I'm always here to support you. I know. I love you. I love you too. हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम सीखेंगे कि किस तरह से हम इस तरह की एआई एनिमेशन मूवीज़ बना सकते हैं और अपने यूट्यूब चैनल पर अपलोड कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपने क्या करना है कि किसी भी ब्राउज़र पर आपने लिखना है प्लोटागन स्टूडियो। जैसे ही आप प्लोटागन स्टूडियो लिखेंगे तो इनकी ऑफिशियल वेबसाइट है plotagonstudio.com, आपने इस पर साइन इन हो जाना है। साइन इन होने के बाद अपने पहले अगर आप लॉगिन नहीं है तो इस पर लॉगिन हो जाएं। लॉगिन होने के बाद आपने क्या करना है कि इस पर गेट इन टू विंडो पर क्लिक करना है। तो यहाँ पर आपका प्लोटागन स्टूडियो सॉफ्टवेयर जो है वो डाउनलोड होना स्टार्ट हो जाएगा। क्योंकि मैंने ऑलरेडी डाउनलोड किया हुआ है इसलिए मैं इसे स्टॉप कर रहा हूँ और कैंसिल कर रहा हूँ और इसे ओपन करने की कोशिश करता हूँ। तो आपने इसे प्लोटागन स्टूडियो को जब डाउनलोड कर लेना है, डाउनलोड करने के बाद आपने इंस्टॉल करना है। सिंपल सा प्रोसेस है इंस्टॉल करने का। तो उसके बाद आपने इसे ओपन कर लेना है। जी, तो प्लोटागन स्टूडियो ओपन हो चुका है। यहाँ पर मैंने ऑलरेडी एक प्रोजेक्ट बनाया हुआ था तो आपके पास ये स्क्रीन एम्प्टी होगी और यहाँ पर हम आप क्या कर सकते हैं, न्यू क्रिएट अ न्यू वीडियो पे आप क्लिक करेंगे। जैसे ही आप क्रिएट अ न्यू वीडियो पे क्लिक करेंगे तो आपके पास ये इन्वायरमेंट शो हो जाएगा। आपने क्या करना है, सबसे पहले अपना सीन सेलेक्ट कर लेना है जिस सीन के लिए आप मूवी बना रहे हैं। तो इससे पहले आपने क्या करना है, आपने कोई ना कोई स्टोरी जो है आपके माइंड में वो आपने सोच लेनी है। अगर आपके पास स्टोरी है तो वेल एंड गुड, अगर स्टोरी नहीं है तो आप यहाँ से गूगल बार्ड या फिर चैट जीपीटी से भी स्टोरी बना सकते हैं। जैसे कि मैंने गूगल बार्ड से स्टोरी बनवाई है कि राइट अ कन्वर्सेशन बिटवीन हस्बैंड एंड वाइफ ऑन द टॉपिक ऑफ न्यू जॉब ऑफर टू अ हस्बैंड। तो इन्होंने, तो गूगल बार्ड ने मुझे ये स्टोरी बना दी है। तो आप, अगर आपके पास स्टोरी है तो सही है, नहीं तो आप यहाँ से बना लीजिएगा कोई अच्छी स्टोरी। उसके बाद आपने क्या करना है, कोई सीन सेलेक्ट कर लेना है। क्योंकि मेरा सीन यहाँ पर इस तरह से कि हस्बैंड एंड वाइफ के दरमियान कन्वर्सेशन है तो इसलिए मैं कोई लिविंग रूम ही सिलेक्ट कर लूँगा इसका। जी, तो लिविंग रूम मैंने सेलेक्ट कर ली है। मैंने यहाँ पर जो है अपना सीन सिलेक्ट कर लिया है। सीन सिलेक्ट करने के बाद आपने यहाँ पर देखें एक्टर कोई नहीं है तो यहाँ पर आपने एक्टर पे क्लिक कर लेना है और एक्टर ऐड कर लेना है। तो यहाँ पर आप जो डिफ़ॉल्ट एक्टर्स हैं आप ये भी यूज़ कर सकते हैं और यहाँ पर डिफरेंट किस्म के एक्टर्स हैं आप ये भी यूज़ कर सकते हैं। और अगर आपने ये यूज़ नहीं करना तो आप अपना जो है करेक्टर भी बना सकते हैं। तो यहाँ पर मैं अपना करेक्टर बनाना चाहता हूँ। देखिए यहाँ पर सबसे पहले आपने क्या करना है, इसकी जेंडर सेलेक्ट कर लेना है। पहले हम हस्बैंड बनाएंगे तो ये जेंडर सेलेक्ट कर लिया। इसके बाद आपने इसकी फेस जो कलर है या फेस शेप है वो सिलेक्ट कर लेनी है। मैंने यहाँ पर इसकी फेस शेप सेलेक्ट कर ली है। फेस शेप सेलेक्ट करने के बाद आपने हेयर स्टाइल सेलेक्ट कर लेना है। जैसे कि मैं यहाँ पर हेयर स्टाइल सेलेक्ट कर रहा हूँ। जी, और हेयर कलर भी आप सेलेक्ट कर सकते हैं यहाँ से डिफरेंट। तो यहाँ पर हेयर कलर भी सिलेक्ट हो गया और हेयर स्टाइल भी सिलेक्ट हो गया। इसके बाद है आप इसकी मुस्टिचूज जो हैं, दाढ़ी मूछ ये भी सेलेक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैं इसकी दाढ़ी मूछ भी सिलेक्ट कर रहा हूँ, आप कलर भी इसका सेलेक्ट कर लें। इसके बाद आप क्या कर सकते हैं, डिफरेंट आपके पास जो हैं आई कलर्स हैं, आई कलर सेलेक्ट कर लें। ग्लासेस अगर आपने लगानी है इसे तो डिफरेंट ग्लासेस यहाँ पर अवेलेबल हैं तो यहाँ पर ये ग्लासेस भी लगा सकते हैं। उसके बाद इसके जो है कपड़े चेंज कर सकते हैं आप यहाँ पर, तो यहाँ पर अवेलेबल हैं डिफरेंट, तो आप यहाँ पर चेंज कर लें। जी, तो ये चेंज हो रहे हैं।
जी। इसके बाद आप इसकी जो है पैंट्स ये चेंज कर सकते हैं, उसके बाद शूज़ चेंज कर सकते हैं। शूज़ चेंज करने के बाद आप इसे कुछ ना कुछ इसके लिए और लिख सकते हैं, और इसके बाद इसे नाम दे दीजिएगा आप, जैसे कि यहाँ गार्डन है, यहाँ पर मैं दे रहा हूँ, यहाँ तो यहाँ पर सेलेक्ट कर लिए हमने जी। तो यहाँ पर हमारे पास एक और अवतार बन चुका है, इसे मैं डिलीट कर देता हूँ क्योंकि मैंने ऑलरेडी बनाया था। इसको हम डिलीट कर रहे हैं, डिलीट करेक्टर, यस। और इसी तरह से आपने क्या करना है कि वाइफ का करेक्टर भी सिलेक्ट कर लेना है। यहाँ पर मैं इसको ना चले मैं स्क्रीन सेलेक्ट कर लेता हूँ इसे। तो यहाँ पर हमारे पास दो करेक्टर हो गए हैं हमारे पास, तो यहाँ पर मैं शो करा लेता हूँ यहाँ पर करेक्टर्स। इसके बाद आपने क्या करना है, यहाँ पर आपने क्या करना है, एक यहाँ पर मैं स्क्रीन को सिलेक्ट कर लिया और एक और आपने अपना करेक्टर सेलेक्ट कर लेना, क्योंकि मैंने यहाँ पर दोनों के लिए मैंने कन्वर्सेशन करानी है, तो यहाँ पर अब्दुल बासित को भी सिलेक्ट कर लेते हैं। तो ये दो करेक्टर सेलेक्ट हो गए हैं, आप इनकी पोजीशंस वगैरह भी चेंज कर सकते हैं। मैं जो है अब्दुल बासित है, इसे हम कर देते हैं सोफ़ा लेफ्ट साइड पर जी। तो यहाँ से हम कर लेते हैं सोफ़ा राइट, सोफ़ा राइट की जगह हम उटोफो जी। तो यहाँ हमने सेलेक्ट कर लिया, दोनों की पोजीशन सेलेक्ट कर लिया। इसके बाद आपने क्या करना है, कन्वर्सेशन लिखनी है। कन्वर्सेशन के लिए आपने क्या करना है, इसे डायलॉग बॉक्स पे क्लिक कर लेना है। जैसे ही डायलॉग बॉक्स पे क्लिक करेंगे तो आप यहाँ पर सेलेक्ट कर लेना है आपने करेक्टर सेलेक्ट करने के बाद आपका जो चैट GPT आप से या फिर आप गूगल बार्ड से जो आपने अपनी स्टोरी को, तो यहाँ पर वाइफ पहले कह रहे, तो मैं वहाँ पे करेक्टर में भी वाइफ को पहले सेलेक्ट कर लूँगा। यहाँ पर बासित की जगह ये मैं यहाँ पर सेलेक्ट कर रहा हूँ मिस ग्रीन को, और यहाँ पर मैं ये पेस्ट कर देता हूँ। पेस्ट करने के बाद आपने ये सिंपल से नेचुरल है, आप इसके एक्सप्रेशन भी चेंज कर सकते हैं। यहाँ पर मैं नेचुरल ही रहने देता हूँ। उसके बाद यहाँ पर आप इसे चला सकते हैं। यस, अगर सही है तो ओके, आप इंपोर्ट भी करा सकते हैं। उसके बाद फिर हमने फिर कन्वर्सेशन वाले पे सिलेक्ट करते हैं और एक्टर सेलेक्ट कर लेते हैं, क्योंकि अब यहाँ पर अब्दुल बासित की बारी है। तो यहाँ से हम उसकी फिर जो है वॉइस सेलेक्ट कर लेंगे यहाँ पर ये, उसके बाद ये देखें चेक कर सकते हैं आप। It was good. Thanks. I had a meeting with a recruiter today about a new job opportunity. Yes. तो यहाँ पर हम थोड़ी हैप्पी सेलेक्ट कर लेते हैं ताकि बेहतर लगे, प्राउडी थोड़ा सा सेलेक्ट कर लेते हैं। यस ओके। उसके बाद फिर हम कन्वर्सेशन सेलेक्ट करते हैं, यहाँ पर सेलेक्ट कर लेते हैं मिस ग्रीन को। मिस ग्रीन के बाद हमने जो कन्वर्सेशन बनवाई थी वो ये सेलेक्ट करते हैं, कॉपी करते हैं। कॉपी करने के बाद अपने उसमें पेस्ट करते हैं, पेस्ट। अब यहाँ पर नेचुरल नहीं है क्योंकि यहाँ पर ऑटरेली का कह रहे हैं, तो हम यहाँ पर फिलिंग सेलेक्ट करेंगे। यहाँ पर क्राइंग की जगह सॉरी, यहाँ पर क्राइंग तो नहीं आना चाहिए था, यहाँ पर आ जाएगा वेटिंग चेस्ट एंग्री एयर हैप्पी हैप्पी एच हैप्पी हैप्पी, और यहाँ पर हैप्पी की जगह हम सेलेक्ट कर लेते हैं सुपर एक्साइटेड यहाँ पर। उसके बाद फिर हम सेलेक्ट कर लेते हैं इसी तरह से, आपने सारा सेलेक्ट कर लेना है जी। और उसके बाद यहाँ से हम चैट GPT से ले लेते हैं अब यहाँ पे नेचुरल से हम सेलेक्ट कर लेते हैं कोई भी अच्छा सा हैप्पी मूड में, इसको हम हैप्पी सेलेक्ट कर लेते हैं, ये हैप्पी आ जाएगा यहाँ पर। और ये इसके बाद फिर हम यहाँ से सेलेक्ट कर लेते हैं हस्बैंड का ही वाइफ
और यहाँ से हम उसकी चेयर सेलेक्ट करते हैं। उसके बाद हम हस्बैंड का ही लिख लेते हैं एक और, यहाँ नेचुरल की जगह हम यहाँ पर सेट। अब हम सीन चेंज करने वाले हैं क्योंकि यहाँ पर हमने क्या कहा है कि ये देखें। Now, please let's go to kitchen. I will tell you more detail here. ओके, अब यहाँ पर हम सीन चेंज करने लगे हैं, इसलिए हमने क्या क्या है कि मैंने हस्बैंड से कुछ और लफ्ज बुलवा ली हैं। तो यहाँ पर हम सीन चेंज करते हैं, सीन चेंज करने के बाद किचन वाला सीन लेके आते हैं हम यहाँ पर। दैट्स गुड। ओके, तो यहाँ पर हम किचन आ गया, हमने यहाँ पर हस्बैंड का जो करेक्टर सेलेक्ट कर लेना है यहाँ पर, और हस्बैंड को हमने बिठा देना, और उसके बाद हमने वाइफ का भी करेक्टर सेलेक्ट कर लेना है। नहीं मिस करी तो पोजीशन लिख लेते हैं चेयर पर इसे भी, और मिस ग्रीन को भी हम क्या कर देते हैं इसकी पोजीशन भी चेयर पर कर देते हैं। किचन काउंटर लेफ्ट राइट, नहीं इससे भी बिठा देते हैं हम मिस ग्रीन को भी टेबल पर। हाँ जी, ये दोनों बैठ गए हैं यहाँ पर। तो हम इसका जो है सीन जो है यहाँ से चेंज भी कर सकते हैं। तो जी, तो यहाँ पर हम एक्टर सेलेक्ट कर लेते हैं अब्दुल बासित को, हस्बैंड को, उसके बाद यहाँ पर हस्बैंड देगा तो ये तो बन गई हमारे पास मूवी। और इसके बाद आपने क्या करना है कि इसे एक्सपोर्ट करना है। एक्सपोर्ट करने के लिए यहाँ पर आपने क्लिक करना है, जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे तो आप रेंडर वीडियो पर क्लिक कीजिएगा। यहाँ पर अगर फ्री वाले भी जो इसका वर्जन है इस पर 1080 पिक्सल की रेजोल्यूशन के लिए आप वीडियोज़ बना सकते हैं, और उसके बाद आप यहाँ पर रेंडर वीडियो पर क्लिक कीजिएगा। अगर आप एक्सपोर्ट करना चाहते विद सबटाइटल्स तो सबटाइटल्स के साथ एक्सपोर्ट करें, अगर विदाउट करना चाहते तो विदाउट करें। मैं यहाँ पर सबटाइटल के साथ एक्सपोर्ट करना चाहता हूँ। तो यहाँ पर हमारी वीडियो रेंडरिंग हो रही है और कुछ ही देर में हमारी ये वीडियो बन जाएगी। तो ये था कि किस तरह से हम AI एनिमेशन मूवीज़ बना सकते हैं प्लॉटगन स्टूडियो से। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है और आपके लिए हेल्पफुल साबित हुई है तो AB महाराष्ट्र YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और इस तरह की वीडियोस इंशाल्लाह हम लाते रहेंगे, और बेल आइकन को लाजमी दबाइएगा ताकि हमारे नए आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहे। मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।